परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु में प्रिय बंधुओं, हम महावृत काल के उपवास काल के मध्य भाग में पहुंच चुके हैं। इस यात्रा में आज के दिन हमारे मनन के लिए जो विषय है वह संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 1 से लेकर 16 तक की आयतें हैं। यह प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताया गया स्वर्ग राज्य का एक सदृश्य है, जहां वो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो दाख भरी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाख भरी भेजा और सुबह से ही वह भूमिधर अपने दाख भरी के लिए मजदूरों को इकट्ठा करता रहा। सुबह के वक्त, उसके थोड़ी देर के बाद, दिन भर ऐसे करते हुए शाम ढलने से बस चंद 1 घंटे पहले तक भी उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया। यह भूमिधर कौन है? यह भूमिधर परमेश्वर प्रभु को बताता है। परमेश्वर प्रभु अपने दाखबरी में काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मजदूरों को इकट्ठा कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में अगर हम चिंता करें या उसके बारे में सोचें तो यह हमें थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा विचित्र लगेगा कि कोई इंसान क्यों दिन भर में मजदूरों को इकट्ठा करता रहेगा। जो सवेरे मजदूर मिल गए उनसे ही दिन भर का काम चलाएंगे। लेकिन हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर इस तरह क्यों कर रहे हैं। यह परमेश्वर द्वारा संत मत्ती रचित सुसमाचार में ही बताया गया है कि वो इस तरह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं मजदूरों को। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसकी 8वीं आयत। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है, मजदूर कम है। तो जब मजदूरों की कमी होती है तो दिन भर मजदूरों को जो दाखबरी का जो भूमिधर है वह इकट्ठा कर रहा है। अब आते हैं अगली बात पे। सबके साथ करार यह हुआ है कि 1 दिनार आपको दिया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक जो काम कर रहे हैं, तो सुबह सबसे पहले जो आए हैं उनको भी 1 दिनार बोला गया है, बाद में जो आए हैं उनको भी 1 दिनार बोला गया है। लेकिन सुबह जो आए हैं उन्हें नहीं पता है कि बाकी जो मजदूर आए हैं उन्हें किस दिनार पे या किस करार पे उन्हें रखा गया है। तो यह मनुष्य तर्क के विपरीत हमें लगेगा कि यह ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने सुबह जो 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मान लीजिए काम किया है, करीब 12 घंटे उन्होंने काम किया है, तो उनको भी 1 दिनार दिया जाए। दिन के बाकी वक्त पे भी जो आए हैं उन्हें भी 1 दिनार दिया जाए, और जो सबसे आखिरी में आए हैं महज 1 घंटा जिन्होंने दिन में काम किया है उन्हें भी 1 दिनार दिया जाए। तो यह मनुष्य तर्क के विपरीत है, ये न्याय संगत हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन हमें यह भली भांति पता होना चाहिए कि परमेश्वर का विचार कैसे है। यह हमें बताया गया है इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 उसकी 8वीं आयत। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। हम जब किसी बात के बारे में सोचते हैं या मनन करते हैं तो वो मनुष्य की रीति में हम सोचते और मनन करते हैं, परंतु प्रभु हमसे यह कहते हैं कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। हमारे विचार और प्रभु के विचार एक समान नहीं है, ना ही उनके मार्ग जो हैं
हमें पता है, क्योंकि उनके मार्ग बिल्कुल विभिन्न हैं। तो उन्होंने अपनी सोच से, अपने मार्ग से उन्होंने यह कार्य किया कि सुबह जो आए उनसे लेकर आखिरी में जो मजदूर आए उन्हें भी एक ही मजदूरी दी गई, एक दिनार की। अब स्वाभाविक है कि उनमें आपस में मनमुटाव होगा कि क्योंकि ज्यादा मेहनत करने वाले ने ज्यादा प्रतिफल या मजदूरी की कामना की होगी, और उसे भी एक घंटे मजदूरी किए हुए मजदूर के बराबर कर दिया गया है। तो यह पाठ, यह जो भाग है, हमें क्या सीख देता है? इससे हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमें सौंपे गए कार्य को तहे दिल से करने की खाली हमें जो जिम्मेवारी दी गई है उसके प्रतिफल की, उसकी जो हमें उसकी मजदूरी की कामना हमें नहीं करनी है। वह परमेश्वर की कृपा में, यह परमेश्वर की कृपा है कि हम उस पे भरोसा करें, उसकी करुणा पे भरोसा करें, अच्छे कर्म करें। हमें जो सौंपे गए हैं कार्य उसके अच्छे कर्म करें, पर प्रतिफल जो है वो परमेश्वर का है। दूसरी बात, खुद को दूसरों से तुलना ना करें। हम सब हर किसी से अलग है, हर किसी की सोच से हमारी सोच अलग है, हर किसी के बर्ताव से हमारे बर्ताव अलग है। और हम अगर प्रभु के लिए हैं, प्रभु की हम अगर सृष्टि हैं, तो इस दुनिया में हम प्रभु के कार्य करने के लिए हैं। हमें दूसरों के साथ अपने आप को तुलना करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पहले आए मजदूर थे उन्होंने तुलना की बाकियों के साथ, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं जो संत मती रचित सुसमाचार के भाग में अध्याय 20 के आखिरी भाग में जो 16वें आयत में कहा गया है, इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। हम जब दूसरों को मनुष्य के रीति में तुलना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम कुछ लोगों को अपने से नीचा मानेंगे और अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन उसका भी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें वैसे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन और अपना विचार और अपना मार्ग पहले ही बता दिया कि वह मनुष्य रीति से भिन्न है। यह हमें भली भांति समझ में आएगा संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी 31वीं आयत। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। यह कभी भी हम सोच नहीं सकते हैं या मान नहीं सकते हैं कि जो पापी हैं, सामाजिक रीति से, कुरीति से जो चलने वाले हैं, जो नाकेदार हैं, जो बेजा अपना वसूलन करते हैं, और जो वेश्याएं हैं जो दुर्मार्ग मर चलती हैं, पर वे परमेश्वर के राज्य में हमसे पहले प्रवेश करेंगे। तो यह है परमेश्वर का मार्ग और यह है परमेश्वर का विचार जो मनुष्य के रीति से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। इसलिए खुद की प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, खुद के कार्य पर भरोसा करते हुए परमेश्वर की रीति के अनुसार चलने की परमेश्वर हमें कृपा प्रदान करे। परमेश्वर हम सबको यह उपवास काल आनंदित और अनुग्रहित करे।